तो फ्रेंड्स मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक आई बटन में दे दूंगा टेक्निकल लवली मनी का। तो सबसे पहले पंकज भाई, हाय, कैसा है? कल तूने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी तो इसलिए तूने कमेंट कर दिया कि भाई आपने मेरा कमेंट पूरा नहीं किया। वीडियो में मैंने तेरा नाम लिया था, स्टार्टिंग में बोल गया था, आगे जाके लिया था। तो पंकज गुआंडी, पता नहीं गुआंड पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम है, मेरा पीछे वाला गोत नहीं मुझे लेना आ रहा, सॉरी भाई। हाय पंकज, कैसा है भाई? और आज का दूसरा कमेंट था कि शॉप नंबर 95 दिखानी है, वो सॉफ्टी की शॉप है, मैं आते हुए देख ली थी। और कल हमने यहाँ शॉप वीडियो ख़त्म की थी और यहीं से अब स्टार्ट करेंगे। ठंड बहुत है यार, लाइक कर देना, इस वीडियो का एम रखेंगे 250 लाइक आप कर दो इस वीडियो पे, बहुत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। आज कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आज डीजे नहीं चल रहे, वो खुद गा रहे हैं और खुद गाया हुआ साउंड पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गीता जयंती का मेला आज हैगा, डे सिक्स है और ये छोटे बच्चे मस्ती कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो आज कल हमने यहाँ से ख़त्म की थी, यहीं से की थी कल हमने, तो आज यहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये गुम्मत मैंने बताया था ना कि ये गुम्मत में हमने ख़त्म किया और शॉप नंबर 95 ये रही। तो भाई ये मैसेज तो हमने कवर कर लिया, मतलब कि सही है ना, सही जगह पे शॉप है, ठीक है ना, ये सॉफ्टी की शॉप है, ठीक है। शॉप पे थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ मैं, ये देख सकते हो, यही मैसेज था शॉप का, तो शायद भाई जो अंदर बैठे उन्होंने मैसेज किया होगा। और अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये भाई नमकीन बेच रहा है और ब्रह्मसर का ऐसे वेदर बहुत है, पर मुझे ठंड लग रही है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। तो अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। और आज मैं शायद झूले वाली एरिया भी शायद कवर कर दूँ, शायद कन्फर्म नहीं, आज देखते हैं कहाँ तक वीडियो बनती है। बाकी ये कप कुप देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, अगर कॉपीराइट से ट्राई किया तो देख लेंगे। कल बड़ी मेहनत लगी मुझे वीडियो एडिटिंग करने में क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी जगह म्यूज़िक भी चल रहा था ना। तो ये शॉप नंबर आप देख सकते हो, 800, 900, 500, ये सारी शॉप नंबर आपको साथ के साथ दिखा रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं ना एक वीडियो बनाऊँ जिसमें एक ही वीडियो में ओवरऑल सारा ब्रह्मसरोवर आपको घुमा दूँ, मतलब कि वीडियो लंबी होगी, एक घंटे की होगी, पर ये शॉप्स आपको एक बार में ही सारी दिखा दूँ। एक नंबर शॉप से हम स्टार्ट करेंगे, कमेंट करके बताना कि ऐसे ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बल्कि गेट नंबर एक से स्टार्ट करेंगे, शॉप नंबर एक से, ठीक है। ये शॉप नंबर सारी दिखा दूँगा ए टू जेड। तो ये हम जा रहे हैं और ये आप देख सकते हो गबरू जा रहे हैं पंजाबी अपने, ये बीजड़े के घर होते हैं ना, वो बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शॉप नंबर रह गया 816, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सॉफ्टी, ये पापड़ वाली शॉप है, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं तेज, और यहाँ खाने पीने का सिस्टम है, अगर आपने कुछ खाना है, चाय 20 रुपये, ठीक है, कुल्फ़ी 30 रुपये, ठीक है, बाकी बस दो ही जना, सॉफ्टी 20 रुपये और बुलबुले पता नहीं कितने के, ठीक है। सॉफ्टी भाई बेच रहा है शॉप नंबर 30 रुपये भी कुछ है, ठीक है। पेपड़ी पुपड़ी जो भी खाने आपने यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, बाकी प्रदर्शनी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो इस बार कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी ना हो, पर हमने आज वीडियो वहाँ से स्टार्ट की है और यहाँ तक पहुँच चुके, ठीक है। लगभग ये ओवरऑल आपको मैंने पूरा घुमा दिया है, ठीक है। आई होप कि क्योंकि ये एक कमेंट आया था जिसमें ये पुल दिखाना था पूरा, वो मैंने दिखा दिया था। तो आज हम जा रहे हैं, बस ये इनकी प्रदर्शनी होती है यहाँ भाई, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया होती है, ऐसी बात नहीं प्रदर्शनियाँ बढ़िया नहीं होती, ठीक है। ये शॉप्स देख सकते हो, बढ़िया लग रही है ना। आज मैं इवनिंग में वीडियो शूट कर रहा हूँ, 5 बजे आया हूँ, अभी मैंने मोबाइल की वीडियो बना के आया हूँ, सैमसंग A30s का कंपैरिजन किया है, वीवो Y19 का कंपैरिजन किया है A30s के साथ, ठीक है। ये प्रदर्शनी आपने पहले देख ली है, ये चेक कर सकते हो प्रदर्शन, ठीक है। हम यहाँ रुकेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम आगे चलेंगे, ठीक है, हम जाएंगे आगे, ठीक है। ये भाई देख रहे हैं। और आज ठंड का क्या लगता है, गीता जयंती पे ठंड का असर पड़ेगा या नहीं? थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ना, कई सोचेंगे ठंड बहुत है, नहीं जानी, कई सोचेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो जाना ही जाना है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये पहले दिन बनाया था, अब ये दोबारा फिर से बनाएंगे और कब बनाएंगे ये पता नहीं है, अब देखेंगे ये कब बनाएंगे, ठीक है। और जो हमने गीता जयंती स्टार्ट की थी जहाँ पे हम, अब ये गेट नंबर एक आ गया है, ठीक है, ये शॉप नंबर लास्ट है, ठीक है। यहाँ से अब जैसे आप गेट क्रॉस करते हो, मतलब कि लास्ट की शॉप नंबर है 847, ठीक है, और स्टार्ट होती है एक से। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ये सारी गीता जयंती है ना, जितनी भी शॉप्स है सारी एक बार में दिखाऊंगा, शॉप नंबर के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो एक नंबर शॉप से, यहाँ पे अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है, यहाँ नॉन्स होती है, यहाँ पे कमेंट्री की जाती है कि अगर किसी का बच्चा गुम हो गया है या किसी की कोई चाबी गवाच गई है या फ़ोन गवाच गया है, वो यहाँ पे अनाउंस किया जाता है, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो, शॉप नंबर एक याद रखना, ठीक है। इधर डांस हो रहा है,
ये फील के साथ, ये भाई नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं प्रदर्शनी में, एंजॉय ला रहे हैं, मतलब मेले का पूरा आनंद उठा रहे हैं, दिल से आनंद उठा रहे हैं। आप भी आओ, मेले का आनंद उठाओ, ठीक है? आप भी आओ और मेले का आनंद उठाओ, एकदम चिल आउट करो, चिल आउट, ठीक है? जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है? ये मंदिर है, एक नंबर गेट पे जैसे एंट्री करोगे लेफ्ट साइड में आपको मंदिर मिलेगा, यहाँ आओ, मत्था टेको, प्रणाम करो और फिर यात्रा शुरू करो, मेला देखना, ठीक है? बाकी ये शॉप्स आप देख सकते हो, ये सारी शॉप्स मैंने आपको दिखा रखी हैं। और यहाँ पे मैं ओवरऑल ही ये चीज़ तो रही गई भाई, लाइट अब तो बंद है, ये भगवान कृष्ण जी बन के बैठे हुए हैं, मतलब की प्रदर्शनी इनकी भी रहती है, कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके साथ जो श्रद्धालु आए होते हैं मेला देखने आए होते हैं वो फोटो भी खिंचाते हैं, ये आप देख सकते हो, एग्जाम्पल फोन में ऐसे खिंचाते हैं, ठीक है? और ये आपको अरे ये बीच, तो ये आप देख सकते हो, ये भगवान शिव जी जी बने हुए हैं, ठीक है? तो अरे तो ये ऐसे प्रदर्शनियाँ में आपको बहुत मिलेंगे, जैसे कि ये बजरंगबली जी बन के बैठे हुए हैं, ये बजरंगबली जी बन के बैठे हुए हैं, देखिए भाई ये बजरंगबली बने हुए हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बजरंगबली नारद वाला सिस्टम भी लेके बैठे साथ में। तो चल फ्रेंड्स आप आगे चलते हैं, तो हाँ तो हम कहाँ थे वो आपको दिखा दिया, वो भी दिखानी बहुत ज़रूरी थी, गीता जयंती की वीडियो बहुत लंबी होती है उसके लिए सॉरी, और लंबी होनी भी चाहिए यार, ऐसे मेहनत तो लगती है। ये पूरा एरिया जो है एक चक्कर है, 3 किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर का एक चक्कर है, तो ये टाइम तो लगता ही भाई, अगर 3 किलोमीटर का अगर एक कैमरे के साथ कमेंट्री के साथ अगर आपने वीडियो बनानी हो तो आपने कवर करने में टाइम तो लगता है भाई, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और आज की कोशिश है कि जहाँ वहाँ तक गीता जयंती कवर हो गई है, अब हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, ठीक है? बीच में मैं स्किप भी कर दूंगा, ये कि नहीं सारी चलेगी, बीच में मैं स्किप कर दूंगा, बीच में अच्छे अच्छे शॉट भी लूँगा, तो आई होप कि आपको बढ़िया लगेगी, ठीक है? तो हम आगे जा रहे हैं, तो ये 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 कह रहा है वीडियो चल रही है, ये चक पीछे शूट कर रहा है, ओह ये गन लेके आ रहा है पटाखे वाली शूट, तो हम आगे जा रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं, और तो मैं आगे थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है? और आगे फास्ट इसलिए जाऊंगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है? बाकी आज मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, ठीक है? तो आज हम आगे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? हमें जाना कहाँ है मैं आपको बता दूँ, हमें जाना है यहाँ पे, ये जो झूले लगे हुए ना यहाँ पे जाना है, इस एरिया में जाना है, तो आज आपको पता भी चल जाए कहाँ से जाना है, वैसे आप झूलों में डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है? नेकलेस की सेट की सेल दिखाई थी मैंने 100-100 रुपये वाली, वो यहाँ पे लगी है 390 नंबर शॉप है, नंबर की 40 नंबर शॉप के पास भी आ जाएगा, उसके साथ ही आपको दिख जाएगी, ठीक है? अब हम जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, आपको बचाव दल भी दिखाते हैं, अगर कोई बाई चांस पानी में रेलिंग के पार चला जाता है फुकरी मारने के लिए, फिर भी वो फूल फुकरी मारने के लिए चला जाता है, उसमें आपको मिलेगा आनंद जमातिया, ये मिलेंगे, ये सारे यहाँ का स्टाफ है, आनंद जमातिया सर का मुझे नाम नहीं पता, उस सर का नाम नहीं पता, वो सर बैठे हुए हैं, हाय कर दो सर, ये इनका बहुत तगड़ा रोल रहता है यहाँ पे, और ये देख सकते हो। तो चलो हम आगे चले, जा रहा है आगे, आ चले, तो आनंद जमातिया, और ये शॉप नंबर देख लो, बल्कि शॉप नंबर इसके बारे में लगी है 46, ठीक है? अगर आपको किसी ने कुछ पूछना है तो यहाँ आ सकते हो, हाँ अगर आपको जानकारी लेनी है तो ये शॉप नंबर 48 में आपको जानकारी मिल जाएगी, जब गीता जयंती नहीं होगी, जहाँ पे एक बंदा बैठा था उनकी ड्यूटी लगी होती है, वो सारी डिटेल आपको देते हैं। तो हम आगे जा रहे हैं, आगे नहीं गोली की तरह आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ जा रहे हैं, और बीच में मैं स्किप करके भी आपको दिखाऊंगा, और वैसे कमेंट्री ज़्यादा बेटर रहती है ना, अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा दो और ऐसे हम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता ना, तो अब हम है ना इसको थोड़ा कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं ना, ओहो जल्दीबाजी में, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जाना है, बल्कि गोली की तरह जा रहे हैं, वो लेट हो रहे हैं। और हाँ वहाँ पे जो लग रहा है ना, वो लग रहा है जुगाड़मेंट, सॉफ्टी में भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है? तो आप देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं तेज़ से आगे, ठीक है? और मैंने वीडियो बंद इसलिए नहीं की क्योंकि 4-5 मिनट अगर आप ज़्यादा देख भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपको एक मेला एक फील आ जाएगी अच्छे वाली कि हम मेला देख रहे हैं या खुद मेले में चल रहे हैं, ठीक है ना? ये चीज़ तो होनी चाहिए ना मेले में, अगर यही चीज़ नहीं हुई तो फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है? अब मैं सीधा आपको सीधा भंगूड़ों के पास ले जाता तो कैसा लगता। मैं एक चीज़ बता दूं कि कल का जो मैंने शूट किया था उसमें गीता जयंती की आरती भी थी, जो कि मैंने कवर की थी, जो गुरुकुल वाले आरती करते हैं वो मैंने कवर की थी,
तो आई होप कि आपको वो आरती बढ़िया लगी होगी, जो मुझे कमेंट भी आया था कि आरती आपने कवर कर लो, अगर आप कवर कर सकते हो तो मैंने कवर की थी गीता जयंती की आरती, आई होप कि आपको वो भी बढ़िया लगी हो। तो बस अभी आप हम जा रहे हैं, काफ़ी दूर तक पहुँच चुके हैं, हम आगे जा रहे हैं और ये इधर जो प्रोजेक्टर लगने हैं वो भी लग रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है प्रोजेक्टर के साथ साथ यहाँ इस बार LED भी लगेंगी, ये हर साल नया कुछ ना कुछ करते हैं, जो इनका लगता है ये लाइटिंग शो लगता है ये बहुत औसम होता है, मतलब कि पानी के अंदर ना लाइटिंग शो होता है, ये बहुत औसम होता है, ठीक है, देखने के लायक होता है। अभी इनकी तैयारियाँ चल रही हैं, ये लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, वहाँ पर भी इन्होंने टेंट वेंट लगा रखे हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होने वाला है। तो बस इधर खाने पीने का है, शॉप नंबर 102, 3, 4 ये सारी इनके कवर आ जाती हैं, ठीक है। तो चलो हम अब आगे चलेंगे, आज ठंड हैगी है, वाकई बहुत ठंड है, तो ठंड की आपने टेंशन लेनी जब हम चलते हैं। यस हाँ जी, यूट्यूबर है, तो ठंड की आपने टेंशन लेनी, और काम इधर धड़ाधड़ चल रहा है, और 4 तारीख तक कह रहे हैं कि ये लाइटिंग शो शुरू हो जाएगा, और आपको 4 को शुरू होता है तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि जो आपका कमेंट है वो भी कवर होते रहेंगे। ये इधर काम चल रहा है ना, ज़बरदस्त काम चल रहा है ना, तो अभी हम आगे जा रहे हैं और आगे चलते जाएंगे जहाँ तक हमें जाना है, जाना कहाँ तक है हमें, जहाँ पे झूले लगे हुए हैं वहाँ तक जाना है। इधर आप शॉप देख सकते हो, इधर ये जनरेटर चला के काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी हम कुछ कर नहीं सकते। तो बस फ्रेंड्स सीन है कुछ ऐसा, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे झूले लगे हैं, ये मैं टैग दिखा रहा हूँ अपना, ताजो अगर किसी ने दूसरा चैनल में सर्च मारा वो मार सकता है, ठीक है। और क्या करना है, हमने जाना है जहाँ झूले पे लगे वहाँ जाना है, और गीता जयंती के मेले में हम पूरा चल के जा रहे हैं, और मतलब कि 300-400 स्टेप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि एक महान बात है, मतलब कि मैं पतला तो हो ही जाऊँगा। गीता जयंती के 10-13 दिन है, 15 दिन चलती है ये, मतलब कि ये 23 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 10 तारीख तक है, और आज 28 तारीख हो गई है, दिन रह गया टोटल 12, ठीक है, आज का दिन कवर हो गया है, तो 12 दिन रह गया, 12 दिन और पड़े हैं, 12 दिन आपको देखना पड़ेगा गीता जयंती में क्या क्या लगता है। अभी कई कुछ लग रहा है गीता जयंती में, ये नहीं कि यही यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, अभी और भी काफ़ी कुछ लग रहा है, मतलब कि जैसे कि अभी ये चालू होगा, ठीक है, और जहाँ पे डांस होते हैं वो चीज़ भी दिखाऊंगा, कहाँ पे डांस होते हैं, कैसे स्टेज लगी हुई है, वहाँ पे डांस चलते रहते हैं, और डांस की वीडियो नहीं बनाऊंगा, स्कूल के डांस की वीडियो मुझे शायद किसी ने कमेंट किया था, नहीं किया था, हाँ कमेंट नहीं था वो, वैसे स्कूल आएगा कवर करेंगे, देखेंगे कोशिश करेंगे। ये बीच में कुछ आता है ये करना तार सी जब गीता जयंती कर रहा, तो चलो अब हम थोड़े स्किप कर लेते हैं बैक कैमरे से, दिखाते हैं ब्रह्मस्वरूप के जो कॉर्नर पे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी LED मिलेगी देखने को, ठीक है। अब हम कॉर्नर पे आ गए, शॉप नंबर यहाँ पे आपको 150 से ऊपर ही मिलेगी, मतलब कि 170 उधर मिलेगी। ये आप वेदर देख सकते हो ब्रह्मस्वरूप का कितना बढ़िया आता है, अगर यहाँ से हम फोटो खींचे, मतलब कि सरोवर पे अगर हम पानी के एकदम पास में जाके ऐसे करके आपको फोटो दिखाऊँ कितनी औसम आएगी, अगर एक्स्ट्रा जूम करके दिखाऊँ तो कितनी बढ़िया लग रही है ना, ये वेदर अच्छा लग रहा है ना, सोच करो अगर आप यहाँ बैठ के देख रहे हो तो कितना औसम लगेगा, वैसे ये एंगल हम अगर उधर से खींचते तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी भाई में टैलेंट ही बहुत है, ऊपर बाइक चल रही है देख रहे हो, तो हम आगे जा रहे हैं, अब जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी झूले आने वाले हैं, जिसके कारण आपको और भी आनंद आने वाला है, आज गीता जयंती में कुछ अलग हो जाएगा, Day 6 है गीता जयंती का, तो हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो जा रहे हैं आगे, बस आगे जा रहे हैं। ओ छोटा छोटा बच्चा, ओए ओए ये हेडफोन खींच रहे हैं, मतलब कि मेरा बैग खींच जाता है, तो हम आगे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ कि क्या होता है कि बैकग्राउंड में बाई चांस कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो मैं उस बैकग्राउंड में या तो वीडियो वो पार्ट कट कर देता हूँ, या तो बैकग्राउंड में साउंड बंद करके उसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा देता हूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया रहती है, पर ठीक है, हाँ मतलब कि शोर शराबा ज़्यादा बेस्ट रहता है ना, कि हाँ भाई आपको फील बढ़िया वाली फील आती है, बढ़िया वाली फील आती है। हाँ आ जा भाई, ले भाई आ गया, चल रहा था बैक कैमरा था भाई। तो ये आप देख सकते हो पंजाबी जूती, ठीक है, ये आप देख सकते हो शॉप सारी चल रही हैं एंड ज़बरदस्त शॉपें चल रही हैं, ठीक है, कई जने यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, और ठंड का असर भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि ठंड का असर नहीं पड़ता, ये भी शूट कर रहे हैं बहुत अच्छा शूट कर रहे हैं, सारे जने शूट कर रहे हैं यहाँ, कई अकेला मैं ही नहीं यूट्यूबर, बखेरे यूट्यूबर है, बहुत बढ़िया भाई। अपन भाई मिल गया, कैसा भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। ये भाई मिल गया अपन, बल्कि इधर जने मिलते हैं, कैसा भाई? और तो इधर कहाँ से घूम के आए हो, पूरी साइड देख के आए हो? मैं तो अभी मिल गया उधर, देखने बंगूड़ा देखने जा रहा हूँ, झूले चल मिलते हैं। तो ये थे मेरे दोस्त, और यहाँ मैं सामने के पास अंडे खाता था, वहाँ पे ये मिलते थे, मतलब कि वहाँ मिलते रहते थे, बाकी बढ़िया यार, बस ऐसे मेले में आओ आपको काफ़ी हस्तियाँ मिलेंगी, पुरानी पुरानी हस्तियाँ मिलेंगी, तो बस इंजॉय करो मेले को, और
टेक्निकल लवली मनी और स्विमिंग बॉय मनी को भी सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो चलो अब हम मुंगूड़े के पास पहुंच गए हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं बाहर कहां से निकल रहा हूं। तो फिलहाल ये वेदर बहुत अच्छा है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना मेरा कंस्ट्रेट सारा वीडियो पे रहता है, ठीक है। तो कंस्ट्रेट इधर उधर रहता नहीं है, तो केवल क्या होता है कि कई बंदे हाक मार रहे होते हैं तो नहीं पता चलता, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे कैमरे की क्वालिटी बढ़िया है, रात को शूट करूँ और अगर इस फोकस कहते हैं लाइव फोकस करूँगा तो और बढ़िया आएगी, पर मुझे पता नहीं वो वीडियो शूट कैसा होगा, उसका लेवल कैसा बढ़ जाएगा। इसमें तो अच्छा लग रहा है पर मैं वीडियो जब एडिटिंग करता हूँ उसमें थोड़ी क्लैरिटी, जब मैं उसको इफेक्ट डालता हूँ उसमें इशू आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल वीडियो में बना रहा हूँ। तो ये फ़ोन कौन सा है? नोट 10 प्लस, बढ़िया फ़ोन है, कैमरा चला दिया। इसमें हम बैक कैमरे में चला रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं यादुर। इधर मैंने पहले साइंस मेला मुला दिखा दिया था आपको ना कि रोबोटिक्स इधर लगा हुआ है जो कि बढ़िया है। कछुआ आपने देख रखा है, मेरे बाकी पट्टों में आपने कछुआ देख लिया है। तो अब हम बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये टेडी की शॉप लगी हुई है, आप प्यार प्यार करोगी। तो हम अभी आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे जा रहे हैं, हमारा कैमरा ऐसे 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 हिल रहा है, जनरेटर भी चल पड़ा, ठीक है ठीक है। यहाँ जनरेटर चलना चाहिए था, वहाँ जनरेटर चल पड़ा, यहाँ नहीं चलना चाहिए था, वहाँ चलना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हम बाहर जाएंगे, अभी हम बाहर जाएंगे बाहर, ठीक है। तो किशन उन्हीं रोड पे गए हैं, उन्होंने एक रोड मारना होता है, ठीक है। बाकी अगर अपने हाथ में कुछ नाम नू लिखाना है तो यहाँ से लगा सकते हो, ये बैठे हुए हैं, ठीक है। पर दिक्कत कहाँ पे आती है मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पे खलारा पड़ जाता है, जैसे ये डस्ट है, ठीक है, इसको हम उठा लेते हैं, डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे जाएंगे और इसको बाहर फेंक देंगे जहाँ डस्टबिन होगा, डस्टबिन के अंदर। तो अभी ये यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, शॉप नंबर देख लो, यहाँ पे शॉप नंबर, ये एंट्री गेट बाहर है, जैसे 7 नंबर गेट है, ये देखो डस्टबिन मिल गया, ठीक है। मतलब काफ़ी जने देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ये डस्टबिन में वो भ्रमसवर साफ रखना है, तो डस्टबिन में चला गया, ठीक है। अब हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि हम अगर किसी को बोलते ना वो बढ़ जाता है कि ऐसा क्यों है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ झूले हैं, ठीक है। ये एंट्री गेट भी है, ठीक है, अगर आप एंट्री करनी हो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तगड़े वाली चेकिंग मिलेगी। इधर सामने झूले जाले सारे लगे हैं, आज इस वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ, झूले जो लगे हैं ना वो सारे कवर करने वाला हूँ। ये चक्को हम इधर से बाहर जाएंगे, ठीक है। और अगर इधर गाने चल रहे हुए तो बंद कर दूँगा, वैसे तो गाने चल नहीं रहे, ठीक है। ये सड़क क्रॉस करनी है और इधर लगे झूले, अगर गाने चल रहे हुए तो बंद कर दूँगा मैं, ठीक है। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दूँगा पर इतने शोर में पता नहीं चलेगा। लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया, कुछ नहीं है, वैसे देखना पड़ता है कि किस साइड गाड़ी आ रही है। अगे हम सड़क क्रॉस कर गए और अब आपको दिखाऊंगा नज़ारे। तो चलो अब झूले जाले दिखाते हैं। मेला यही होता है ना, मतलब कि मेले में झूले जाले होते हैं, बच्चों बर्गर बुर्गर लगे हैं, खाने पीने का लगा होता है, ठीक है। इधर खिलौने खिलाने लगे हुए हैं, ठीक है। ये एकदम मतलब कि 7 नंबर गेट के ना एकदम सामने लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमने एंटर कर लिया, ठीक है। यहाँ बड़ा मतलब मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दूंगा। वैसे मैंने 3-4 बार कमेंट्री करके देख ली, कोई एरर आने की वजह से पता नहीं क्यों वो कमेंट्री सेफ नहीं हो पा रही, तो एरर आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाऊंगा और कुछ मैं आपको कमेंट में बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको पार्किंग गेट नंबर 7 के सामने, पार्किंग के एकदम पार्किंग के सामने आपको मिलेगी, ये मतलब कि गेट नंबर 7 है जो गीता जयंती का ब्रह्म सरोवर का, उसके एकदम सामने आपको मिलेगी ये पार्किंग, उसके सामने लगे हुए हैं झूले, ठीक है। आप आओ, आनंद उठाओ, बहुत ऐश करो। एक चीज़ और बता दूँ, ये पंडाल जो बन रहा है यहाँ पे होगा डांस, स्कूल का डांस होगा, जो सेलिब्रिटी आएंगे वो यहीं पे आएंगे, पहले वहाँ पे आते थे, यहाँ पे रथ है वहाँ पे, अब हरियाणा कल्चर लगेगा तो इसलिए वहाँ पे नहीं आएंगे। तो चलो बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाता हूँ जिसके कारण आपको अच्छी लगेगी वीडियो, और कमेंट करके बताना कि आपने कौन कौन से झूले ले रखे और कौन कौन से झूले से आपको डर लगता है। यहाँ ओवरऑल सारी गेमें हैं।
Thank you.
गाना चल रहा था बैकग्राउंड में, क्या करूँ, वीडियो काटनी पड़ी, तो बस लिप सिंक अब मैचिंग नहीं होगी तो ऐसे काम चलाना पड़ेगा, और आपको पता ही है पक्की। बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे जिसके कारण मैंने वहाँ जो अभी आपने झूले देखे, जितने भी झूले देखे हैं बचपन में आपने कौन कौन से ले, मुझे कमेंट करके बताना। और बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे जिसके कारण मुझे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना पड़ा, नहीं तो मैं झूलों की आवाज़ ही सुनाता आपको, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम वापस ब्रह्म सरोवर में जा रहे हैं क्योंकि जहाँ बाइक खड़ी है वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, और अभी 6 बज चुके हैं और काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि बचपन में आपने कौन से झूले लिए, अगर आप सीनियर हो तो कमेंट करके बताना आपने कौन कौन से झूले लिए हुए हैं। आई थिंक गोल वाला घूमने वाला सबने लिया होता है, और कईयों को गोल वाले घूमने वाले झूले से काफ़ी डर भी लगता है, पर अपन ने दिखा दिए सारे झूले दिखा दिए। मेले की जान वैसे वही होती है, मेले में हर कोई जैसे बचपन में यही बोलता है कि मेले में जाएंगे झूले लेंगे, ये रहता है ना फिर पापड़ खाएंगे, बल्कि मेले वाली सारी कंडीशन मैंने दिखा दी है। तो इंटरनेशनल मेला है ये गीता जयंती का, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। अभी मैं जो एंट्री कर रहा हूँ वो गेट नंबर 7 है, यहाँ से हम एग्जिट किए थे वहीं से एंट्री कर रहा हूँ, और अभी देख लो 7 बज गए, मैं कितने बजे आया था तो अभी 7 बज गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया क्योंकि बहुत मेहनत लग दिया। उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, ये सारा कुछ करना पड़ता है कंसंट्रेट। तो आज की वीडियो आई होप कि आपके लिए बढ़िया रहेगी। इसी तरह हर रोज़ मैं नई से नई कंटेंट ही दूंगा, जो गीता जयंती का मेला है आपको पूरा इंजॉय कराऊंगा। अभी पूरा अंधेरा है तो अंधेरे में कैसी वीडियो आ रही है आई डोंट नो, पर कैमरा कवर सही कर रहा है। और बैकग्राउंड में जहाँ म्यूज़िक है वहाँ उन्होंने बहुत तेज गाने चलाए हुए थे, और वो पुराने गाने चलाए हुए थे, बहुत पुराने। एंट्री हो गया गेट के अंदर गीता जयंती के अंदर, जहाँ पे कोई गाना ऐसे वाले गाना नहीं चल रहा कोई भी, और एकदम शांति। देखो कितना ऑसम नज़ारा लग रहा है ना, वाटर मतलब पानी हिल रहा है, हुई 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 जहर वाला मज़ा आ रहा है। और बीच में वहाँ मतलब मच्छरों के लिए, मतलब मच्छर ना फैले तो वहाँ धुआं छिड़का रहे हैं, मतलब दवाई छिड़का रहे हैं, ठीक है। और ये फोटो सेशन हो रहा है इधर, ठीक है। और इधर ये आरती चल रही है, अभी वहाँ पर आरती चल रही है, तो आरती नहीं दिखा सकता अभी मैं दूर हूँ, जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा तब तक तो आरती ख़त्म हो जाएगी। और अब जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं यहाँ वापस पैदल नमकीन खाने आऊँगा, क्योंकि वीडियो बनाते समय मैं खाने पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, और खाने पे कंसंट्रेट करने का तभी फ़ायदा है जब आप फ्री माइंड हो, ठीक है। अपना काम ख़त्म करने के बाद हम करेंगे वीडियो मतलब कि नमकीन खाएँगे। तो अभी अभी हम वीडियो का एंड करते हैं, और एंड करने से पहले हम कुछ दिखा देते हैं आपको, ठीक है। वहीं जाके हम वीडियो का एंड करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो का एंड करने वाला हूँ, यहाँ पे रोबोटिक्स का मतलब कि लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है। अगर 10 साल का बच्चा है कोई, 10 से 16 साल का बच्चा यहाँ आके फ्री में कर सकता है, जुगाड़ बनाना है बना सकता है, ठीक है। अभी ये करंट का कोई सिस्टम है, इसमें ऐसे ऐसे करके तार निकालनी होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एलेक्सा है, ये मैंने वैसे सारा एरिया मैंने दिखा दिया पहले, ठीक है। जिस सारा का सारा एरिया मैं पहले दिखा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, और जो जिन्होंने बच्चों ने बनाया उसकी जो वीडियो डाली है वो टेक्निकल चैनल पे डाली है, टेक्निकल लवली मनी चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च मार सकते हो टेक्निकल लवली मनी, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहें ऑनलाइन मतलब कि जैसे कि कुछ सीखना है कि ऑनलाइन कैसे काम वर्क करते हैं, तो ये बैठे हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। बाकी इधर गीता जयंती का पेश, अगर ये पॉलीथीन बचाएँ, ये सारा कुछ यहाँ पर है, कछुआ बना हुआ है ना, तो वो आज यही पे एंड कर देते हैं वीडियो का। तो कछुआ दिख गया, एक मिनट रुको, कछुआ दिख गया है। तो अब हम एंड कर देते हैं वीडियो का, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बैकग्राउंड में मैंने म्यूज़िक लगा दिया जिनको गाना चल रहा था, तो ये किसने बनाया है, इस लड़की ने ये बनाया है, ये इस लड़की ने बनाया जो आप देख सकते हो। चलो बैक में दिखाते हैं, पढ़ के शायद आपको अच्छा लगेगा। इस लड़की ने आई थिंक बनाया कछुआ, या फिर इसकी सोच है, ये जो भी है इसने काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये पॉलीथीन से बना हुआ है, ठीक है। बाकी ये चेक कर सकते हो कि कितने दिनों में पहले लगे हुए थे ये पॉलीथीन का कछुआ बनाने हुए, ये सारा पॉलीथीन का ही बना हुआ है, ये देख सकते हो जितने पॉलीथीन जो लगे हुए हैं, ये स्कूल के बच्चे ये चेक कर सकते हो। अगर आपने आर्टिकल पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा रोक, ये आप बड़े बड़े अक्षर पढ़ पाओगे, छोटे तो नहीं पढ़ पाओगे, छोटों के करूँगा तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो। अखबार की डेट नहीं दिखी, मेंशन की हुई दिख नहीं रही है, ये तो अखबार की डेट दिखा देता आप अखबार में ज़्यादा बेटर पढ़ लेते। कछुआ देखो, आनंद लो, ये चेको कछुआ, आनंद लो। तो चलो वीडियो का एंड कर, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, डे 6 गीता जयंती का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स।
कल देखते हैं क्या दिखाते हैं। तो बाय, थैंक यू वॉच द वीडियो, और हाँ लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल वीडियो बहुत लंबी है, उसके लिए सबसे पहले सॉरी। कोशिश की है मैं आपको सारी की तजंती अच्छे से दिखा पाऊँ। जी चैनल स्विमिंग बाय मनी, ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू वॉच द वीडियो।